नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल चैनल बोल बुल बुल। दोस्तों, आज का वीडियो में मैं आपको सर्किट ब्रेकर कंट्रोल वायरिंग समझाने वाला हूं। दोस्तों देखे होंगे, एससीबी हो चाहे बीसीबी हो, उनमें बहुत सारा कंट्रोल वायरिंग लगा होता है। तो इतना सारा कंट्रोल वायरिंग क्यों लगाया जाता है, मैं आज आपको पूरा समझाने वाला हूँ। दोस्तों मैं आज आपको ओनली एससीबी का अंदर आप जो देख रहे होंगे कंट्रोल वायरिंग, उसके बारे में समझाने वाला हूँ। यानी उसका जो टर्मिनल ब्लॉक आप देखे होंगे, जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट्स देखे होंगे, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट्स में आप देखे होंगे बहुत सारा कंट्रोल वायर कनेक्शन हुआ होगा। एक ड्राइंग लेंगे और ड्राइंग के माध्यम से हम स्टडी करेंगे कि कंट्रोल वायरिंग आप कैसे स्टडी करेंगे, कैसे उसको समझेंगे, मैं पूरा आपको डिटेल में समझाऊँगा। दोस्तों ये जो ड्राइंग मैंने लिया है, ये ड्राइंग एलएनटी का यू पावर सीरीज का ड्राइंग है। यू पावर का जो एससीबी रहता है दोस्तों, उसका ये ड्राइंग है। तो ये ड्राइंग को समझने से पहले आपको उसका इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के बारे में समझना पड़ेगा। एक एससीबी में क्या क्या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रहता है, सबसे पहले आपको वो समझना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों एक बार हम समझ लेते हैं कि एक एससीबी के अंदर क्या क्या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रहता है। तो दोस्तों एक एससीबी हो या बीसीबी हो, उसके अंदर क्या क्या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रहता है। नंबर वन चीज़ रहता है दोस्तों, स्प्रिंग चार्जिंग मोटर। आप देखे होंगे जैसे ही आप लोग सर्किट ब्रेकर को इन कर रहे होंगे, उसका सर्विस पोजीशन पे ले रहे होंगे, तो उसी समय एक मोटर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो रहा है। वो मोटर का नाम है स्प्रिंग चार्जिंग मोटर। उसका काम है स्प्रिंग को चार्ज करना। अगर स्प्रिंग चार्ज नहीं होगा तो सर्किट ब्रेकर क्लोज नहीं होगा। तो नंबर वन चीज़ हो गया स्प्रिंग चार्जिंग मोटर। और सेकेंड चीज़ क्या रहता है दोस्तों, एक क्लोजिंग कॉइल रहता है। यानी आप उसे इलेक्ट्रिकल क्लोज कर रहे होंगे, टीएनसी स्विच को घुमा के क्लोज कर रहे होंगे, तो सर्किट ब्रेकर कैसे क्लोज होता है, उसका एक क्लोजिंग कॉइल रहता है, या क्लोजिंग रिलीज भी आप उसे कह सकते हैं। क्लोजिंग रिलीज में सप्लाई जाएगा, सर्किट ब्रेकर क्लोज होगा। तो नंबर टू चीज़ हो गया क्लोजिंग कॉइल। और नंबर थ्री रहता है ट्रिपिंग कॉइल। सर्किट ब्रेकर को जब आप ट्रिप करते हैं, टीएनसी स्विच के थ्रू ट्रिप करें, या कुछ फॉल्ट कंडीशन में सर्किट ब्रेकर जो ट्रिप होता है, तो सप्लाई जाके ट्रिपिंग कॉइल में कनेक्ट होता है, या उसे आप ट्रिपिंग रिलीज भी बोल सकते हैं। तो नंबर थ्री हो गया ट्रिपिंग कॉइल। और क्या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रहता है दोस्तों, जिसके लिए हमको वायरिंग करना पड़ता है। यानी मान लीजिए ब्रेकर क्लोज हो गया या ब्रेकर ऑफ हो गया, तो उसी कंडीशन आप देखे होंगे वहाँ पर इंडिकेशन लैंप लगा होता है। जो सर्किट ब्रेकर का जो कंट्रोल पैनल रहता है, वहाँ पर सर्किट ब्रेकर ऑन है या ऑफ में है, आप कैसे मालूम करते हैं, उस इंडिकेशन लैंप को देख के मालूम करता है। तो इंडिकेशन लैंप को सप्लाई कहाँ से जाएगा, वो सर्किट ब्रेकर का जो इंटरनल वायरिंग रहेगा वहाँ से सप्लाई जाएगा। तो उसके लिए एक ऑक्जुलरी कॉन्टैक्ट वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। और क्या चीज़ रहता है दोस्तों, एंटी पम्पिंग रिले रहता है। यानी जो क्लोजिंग कॉइल को आप बार बार क्लोज नहीं कर सकते, एक बार सर्किट ब्रेकर क्लोज हो जाने के बाद सर्किट ब्रेकर का जो क्लोजिंग कॉइल रहता है वहाँ पे सप्लाई नहीं जाना चाहिए। अगर कंटिन्यूसली वहाँ पे सप्लाई जाएगा तो क्लोजिंग कॉइल ख़राब हो जाएगा, क्लोजिंग कॉइल डैमेज हो जाएगा। तो क्लोजिंग कॉइल को प्रिवेंट करने के लिए एक एंटी पम्पिंग डिवाइस वहाँ पर लगाया जाता है। एक बार सर्किट ब्रेकर क्लोज हो गया, मतलब आप दोबारा टीएनसी स्विच को घुमा के क्लोजिंग कॉइल में सप्लाई प्रोवाइड नहीं कर सकते। और क्या चीज़ रहता है दोस्तों, आप देखे होंगे एक इंडिकेशन लैंप रहता है स्प्रिंग चार्जिंग का, स्टेटस को दिखाता है। यानी स्प्रिंग चार्ज्ड है, तो अगर स्प्रिंग चार्ज हुआ होगा तो इंडिकेशन लैंप वहाँ पे ग्लो करेगा। यानी स्प्रिंग चार्जिंग हुआ है कि नहीं देखने के लिए एक इंडिकेशन लैंप लगाया जाता है। तो इंडिकेशन लैंप को सप्लाई कहाँ से जाएगा, वो एसीबी का अंदर से जो इंटरनल वायरिंग किया गया होगा वहाँ से सप्लाई जाएगा। एक बार स्प्रिंग चार्ज हो गया, मतलब सप्लाई थ्रो हो जाएगा और इंडिकेशन लैंप ग्लो करेगा। तो उसके लिए भी हमको एसीबी का कनेक्शन एसीबी का इंटरनल वायरिंग किया जाता है। और आप देखे होंगे और कुछ इंडिकेशन लैंप रहता है, जैसे कि सर्विस पोजीशन पे है या टेस्ट पोजीशन पे है। सर्किट ब्रेकर सर्विस पोजीशन पे है या टेस्ट पोजीशन पे है, ये देखने के लिए और भी कुछ इंडिकेशन लैंप लगाया जाता है। तो उसके लिए जो सप्लाई जाएगा वो एसीबी का अंदर से जाएगा। और ये वाला जो सर्किट ब्रेकर है दोस्तों, वहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर डिवाइस लगाया जाता है। तो माइक्रो प्रोसेसर डिवाइस के लिए हमको चाहिए ऑक्जुलरी पावर सप्लाई चाहिए माइक्रो प्रोसेसर रिले के लिए। तो उसके लिए भी वायरिंग
डाला जाता है। और ये जो एसीबी है दोस्तों, वहाँ पे अंडर वोल्टेज का ही प्रोटेक्शन है, यानी अगर इनकमिंग साइड में सप्लाई नहीं रहेगा, पावर सप्लाई नहीं रहेगा, तो आप लोग सर्किट ब्रेकर को क्लोज नहीं कर सकते। ये एक ट्रिप कमांड जनरेट करेगा, अंडर वोल्टेज कंडीशन में एक ट्रिप कमांड जनरेट करेगा, सर्किट ब्रेकर हमेशा ट्रिप हो जाएगा, आप सर्किट ब्रेकर को क्लोज नहीं कर सकते ड्यूरिंग अंडर वोल्टेज। तो उसके लिए भी वायरिंग करना पड़ता है, वो भी एसीबी का इंटरनल वायरिंग है। और जो माइक्रो प्रोसेसर रिले, वहाँ पे आप क्या देखते हैं, वहाँ पे आप लोग वोल्टेज करेंट ये सारा डाटा वहाँ पे देखते हैं। तो वो डाटा देखने के लिए आपको वायरिंग भी करना पड़ता है माइक्रो प्रोसेसर रिले के साथ। तो सीटी वायरिंग का भी कनेक्शन आप इंटरनली आप करेंगे। तो इतना सारा इक्विपमेंट एसीबी के अंदर रहता है, जिसको हमको इलेक्ट्रिकली कनेक्शन करना पड़ता है, उसका वायरिंग करना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, ड्राइंग को हम समझते हैं। तो ड्राइंग का ये जो लेफ्ट पोर्शन आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है उसका पावर सर्किट। तो यहाँ पे आर वाई बी एंड उसके साथ न्यूट्रल भी है, ये देखिए आर वाई बी एंड उसके साथ न्यूट्रल पॉइंट भी है। तो ये हो गया उसका पावर सर्किट, ये हो गया इनकमिंग साइड और ये हो गया आउटगोइंग साइड। तो ये बात आपको क्लियर हो गया, सर्किट ब्रेकर का पावर सप्लाई ड्राइंग यहाँ पे दिखाया गया है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है मेन सर्किट। और उसके बाद आता है दोस्तों, ये जो यूटी मैट्रिक्स लिखा गया है, वो है प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल यूनिट, जो मैं आपको बोल रहा था उसका जो माइक्रो प्रोसेसर रिले है। तो यहाँ पे लिखा गया है देखिए दोस्तों, प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल यूनिट, ये हो गया उसका प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल यूनिट। और उसका पावर सप्लाई यहाँ पे देखिए दोस्तों, एन वन एन टू। उसके बाद आता है दोस्तों, ये जो देखिए दोस्तों, ये वाला ईसी वन ईसी टू लिखा गया, यानी ये एक टर्मिनल नंबर है और ये और एक टर्मिनल नंबर है। तो इसके बीच में ये है स्प्रिंग चार्जिंग मोटर। तो स्प्रिंग चार्जिंग मोटर को अगर आपको सप्लाई देना है, तो आप कहाँ पे सप्लाई देंगे, उसका जो ईसी वन ईसी टू लिखा गया है, वहाँ पे आपको स्प्रिंग चार्जिंग के लिए सप्लाई प्रोवाइड करना है। उसका जो कनेक्शन आप करेंगे ईसी वन ईसी टू में, स्प्रिंग चार्जिंग का कनेक्शन करना पड़ेगा। तो एक बार स्प्रिंग चार्जिंग हो जाने के बाद, ये जो कॉन्टैक्ट आप देख रहे हैं दोस्तों, ये अभी एनओ है। जब ये स्प्रिंग चार्ज हो जाएगा, तो ये वाला एनओ कॉन्टैक्ट एनसी में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर आपका स्प्रिंग चार्जिंग का इंडिकेशन आपको दिखने लगेगा। तो स्प्रिंग चार्जिंग इंडिकेशन, उसका जो इंडिकेशन लैम्प रहेगा दोस्तों, उसका कनेक्शन आपको करना है CH2 एंड CH1 के साथ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो ऑक्जुलरी कॉन्टैक्ट्स लिखा गया है, ऑक्जुलरी कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे क्यों दिया गया है, ये दिया गया है एसीबी का पोजीशन को दिखाने के लिए, यानी एसीबी ऑफ है या एसीबी ऑन है, ये दिखाने के लिए आपको ये ऑक्जुलरी सब कॉन्टैक्ट्स दिया गया है। यहाँ पे चार एनओ है, चार एनसी पॉइंट्स है, तो आप यहाँ पे मल्टीपल यूज उसका कर सकते हैं। यहाँ पे आप उसका पैनल में देख सकते हैं, इंडिकेशन लैंप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, या अगर आप रिमोटली उसको देखना चाहते हैं उसका स्टेटस को, तो रिमोटली आप उसका कंडीशन को देख सकते हैं कि सर्किट ब्रेकर ट्रिप हुआ है या सर्किट ब्रेकर क्लोज कंडीशन में है या सर्किट ब्रेकर ट्रिप कंडीशन में है। ये कंडीशन को आप ये ऑक्जुलरी कॉन्टैक्ट्स की मदद से देख सकते हैं। यहाँ पे 4NO 4NC पॉइंट्स है ऑक्जुलरी कॉन्टैक्ट्स का। एक बार सर्किट ब्रेकर जब क्लोज हो जाता है, तो जितना सारा एनओ पॉइंट्स है सारे एनसी में कन्वर्ट हो जाएगा और सर्किट ब्रेकर नॉर्मल ऑफ पोजिशन पर रहेगा। तो यहाँ पे जो एनओ है एनओ में रहेगा और जो एनसी कॉन्टैक्ट्स है एनसी कॉन्टैक्ट्स में रहेगा। तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे कनेक्शन करना है। तो इसका देखिए दोस्तों, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 33, 34, 41, 42, इसी तरीके से यहाँ पे उसका जो टर्मिनल नंबर लिखा गया है, टर्मिनल नंबर के साथ आपको कनेक्शन करना है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उसके बाद आता है दोस्तों अंडर वोल्टेज रिलीज, जो पॉइंट जो नंबर 4 है दोस्तों, अंडर वोल्टेज रिलीज। अगर अंडर वोल्टेज रिलीज वहाँ पे लगा हुआ है, तो आपको D1 एंड D2 में आपको कनेक्शन करना पड़ेगा, जो कि अंडर वोल्टेज रिलीज के लिए है। तो अंडर वोल्टेज रिलीज क्यों यूज़ किया जाता है दोस्तों, तो मान लीजिए अगर इनकमिंग साइड में सप्लाई नहीं होगा, जो कि एक अंडर वोल्टेज कंडीशन है, तो उसी कंडीशन में ये सर्किट ब्रेकर क्लोज नहीं होगा, सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। ये एक प्रोटेक्शन है दोस्तों अंडर वोल्टेज। और ये नंबर 5 जो है दोस्तों, वो है क्लोजिंग रिलीज। जैसा मैंने बोला कि सर्किट ब्रेकर को क्लोज करने के लिए आपको
TNC सुई से आप सप्लाई देते हैं। तो ये हो गया क्लोजिंग रिलीज। तो क्लोजिंग रिलीज में आप TNC स्विच का जो कनेक्शन करेंगे, ये A1 A2 के साथ आपको कनेक्शन करना पड़ेगा। उसके बाद आता है दोस्तों नंबर 6 वाला, वो है शॉर्ट रिलीज, यानी कुछ भी फॉल्ट कंडीशन में सर्किट ब्रेकर जब ट्रिप होगा तो ये रिले के थ्रू ट्रिप होगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक C1 है और उसके साइड में लिखा गया है TCS। तो यहाँ पे ये जो TCS लिखा गया है उसका मतलब क्या है दोस्तों, आप देखे होंगे सर्किट ब्रेकर में एक ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले लगाया जाता है, जिसका काम है ये जो ट्रिपिंग रिले है दोस्तों, ट्रिपिंग रिले हेल्दी है कि नहीं वो हमेशा चेकिंग करता रहता है। तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है दोस्तों ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले के बारे में, आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिलेगा ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले क्यों लगाया जाता है, उसका काम क्या है, उसको लगाने से क्या बेनिफिट मिलता है। तो एक बार आप उस वीडियो को देख लीजिए, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं तो आप लोग जो सर्किट ब्रेकर का जो प्लेलिस्ट मैंने बनाया है, जितना सारा वीडियो मैंने सर्किट ब्रेकर के बारे में बनाया है, सारे वीडियो उसी प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद है दोस्तों। तो एक बार आप उस प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए, आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग जो TNC स्विच है, TNC स्विच की मदद से सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करवा सकते हैं, नहीं तो एक्चुअल में जो फॉल्ट होगा तो सर्किट ब्रेकर यहाँ से ट्रिप होगा दोस्तों। ये हो गया शॉर्ट रिलीज के बारे में। तो उसके बाद आता है दोस्तों कॉमन फॉल्ट इंडिकेशन, कि आपका सर्किट ब्रेकर कौन सा फॉल्ट में ट्रिप हुआ है। तो उसका इंडिकेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसका वायरिंग यहाँ पे करना पड़ेगा 131 134। तो उसके बाद आता है दोस्तों रेडी टू क्लोज, यानी सर्किट ब्रेकर हेल्दी है, हेल्दी कंडीशन में आप लोग सर्किट ब्रेकर को क्लोज करेंगे तो उसका एक इंडिकेशन जनरेट करता है, जो कि रेडी टू क्लोज का इंडिकेशन है दोस्तों। उसका वायरिंग आपको 101 एंड 102 के साथ करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो ये है दोस्तों लास्ट वाला मैं दिखा रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल पोजीशन, यानी सर्किट ब्रेकर कौन सा पोजीशन पे है, आइसोलेट कंडीशन पे है, टेस्ट पोजीशन पे है या सर्विस पोजीशन पे है, ये देखने के लिए आपको यहाँ पे वायरिंग करना पड़ेगा। ये जो CN, TST, DCN लिखा गया है, यानी ये तीन पोजीशन है, टेस्ट पोजीशन, आइसोलेट पोजीशन एंड सर्विस पोजीशन। तो यहाँ से आप लोग इंडिकेशन के साथ उसका वायरिंग कर सकते हैं। और लास्ट वाला जो है दोस्तों रिमोट रिसेट, ये जो लास्ट वाला दिया गया है रिमोट रिसेट, मान लीजिए आप कहीं दूसरा जगह से उसको रिसेट करना चाहते हैं तो आप इसे कर सकते हैं। तो रिमोट रिसेट का भी यहाँ पे प्रोविज़न दिया गया है दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो देखने के बाद आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिला होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।